हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन के टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन और रेंज। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने थ्योरेटिकली देखा था, मैथमेटिकली थोड़ा सा देखे थे, आज अपन पढ़ेंगे ग्राफिकली। आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि कोई ग्राफ अगर गिवन है तो वो फंक्शन है या नहीं है। दूसरी बात, डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन हम लोग ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ गिवेन है तो वो फंक्शन कब होगा, चलिए इसको जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इफ या वर्टिकल लाइन, इफ या वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होता है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, इफ या वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ, कट्स द ग्राफ ऑफ रूल y इक्वल टू एफ एक्स एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, देन देन y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, देन y इक्वल टू एफ एक्स जो होगा वो आपका फंक्शन होगा। अदरवाइज, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन। अगर कोई वर्टिकल लाइन गिवेन ग्राफ को, y इक्वल टू एफ एक्स के गिवेन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करता है केवल, तो वो जो ग्राफ होगा बच्चों वो फंक्शन होगा। दैट मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को अगर वर्टिकल लाइन केवल एक ही पॉइंट पे कट करता है, केवल एक ही पॉइंट पे कट करता है बच्चों, तो वो आपका फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं आपको, आपके लिए, देखो, आप सभी लोग बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ चुके होंगे, तो आप देखो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, आप लोग जानते हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब हम कहीं पर भी, जहाँ तक ग्राफ है, अगर अपन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, दिस इज द वर्टिकल लाइन, तो ये देखो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर आपका मन है तो इधर भी ड्रॉ कीजिए, देखो वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ देखो यहाँ भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। आप कहीं भी इसके डोमेन में, मतलब जहाँ तक ग्राफ है, अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करता है, तो वो जो ग्राफ होगा दिस इज फंक्शन। तो ये y इक्वल टू ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन एक्स एक्स फंक्शन हो गया, करेक्ट। यानी अब कहोगे सर वर्टिकल लाइन अपन कहाँ ड्रॉ करें, तो भैया जहां आपको डाउट लगता है, जहां आपको लगता है कि यहां पर वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है ग्राफ को, वहां पर आप ड्रॉ करके देखो। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो वो फंक्शन होगा। जैसे बच्चों, मैं कुछ और ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, चलो मैं कुछ इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, देखो ये ग्राफ है, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब अगर बच्चों हम यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन अपने को डाउट कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, तो इस ग्राफ को, इस ग्राफ को थ्री पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, वर्टिकल लाइन ने यहाँ पर थ्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो बच्चों दिस ग्राफ इज नॉट ए फंक्शन, दिस ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है आपका, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है,
ठीक है। तो यहां पर हम मैं लिख दे रहा हूं नॉट या फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। जबकि यहां पर हमने बहुत सारे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाया, तो जितना भी वर्टिकल लाइन है ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए यह फंक्शन होगा। ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है बच्चों। तो बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन होगा, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ओके बच्चों, आप लोग नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, अब मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ आपको गिवेन है, मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ आपको गिवेन है, तो उस ग्राफ से आप फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ठीक है, तो आप लोग को पता है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है बच्चों, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो ये जो x होता है आपका, दिस इज डोमेन, यानी आप लोग को बताया गया है कि द वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यू द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड इज इट्स डोमेन, यानी x के वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं अगर सिंपल भाषा में बोले तो। तो अपन बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन गिवेन है तो x आपका डोमेन हो गया, सीधी सी बात सोचो, और जो आउटपुट निकलता है वो आपका क्या होता है, रेंज, यानी ये जो y है ये रेंज है। अब आप लोग जानते हो कि x एक्सिस में x का वैल्यू मिलता है, यानी x का वैल्यू कहाँ रिप्रेजेंट होता है, x एक्सिस में, और y का वैल्यू कहाँ रिप्रेजेंट होता है, y एक्सिस में होता है। अरे x अपन कहाँ देखते हैं भैया, x एक्सिस में देखते हैं, और y का वैल्यू कहाँ देखते हैं, y एक्सिस में। तो देखो x जो है वो डोमेन है आपका, और y जो है वो रेंज है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डोमेन जो होता है दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन y वन x एक्सिस, क्या एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस इज डोमेन, यानी x एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है, कहां से कहां तक एक्सपेंडेड है, दैट इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो अपन डोमेन की बात करें तो डोमेन को अगर ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिंपल सा क्या देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, यानी x एक्सिस में फंक्शन का ग्राफ कहां से कहां तक गया है, दैट इज द डोमेन। ओके, अब रेंज कहां देखते हैं बच्चों, रेंज हम लोग देखेंगे y एक्सिस में, y का वैल्यू कहां देखेंगे, y एक्सिस में सिंपल सा चीज है, y का जो वैल्यू है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, अगर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल रेंज है तो डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू एफ एक्स में y है, यानी आउटपुट y है, तो y का वैल्यू हम लोग कहां देखते हैं, y एक्सिस में देखते हैं। तो रेंज जो होगा, रेंज क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस। आ तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया ग्राफ नीचे से ऊपर तक कहां कहां तक है, मतलब डायरेक्ट शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं, शॉर्ट हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ, ग्राफ का हाइट हम लोग कैसे देखते हैं, नीचे से ऊपर, ग्राफ नीचे से ऊपर कितना दूर तक गया है, दैट इज और रेंज, वही आपका रेंज होता है, हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ द ग्राफ इज रेंज, सिंपल सा चीज है। जैसे मैं मान लीजिए एक ग्राफ आपको देते हैं, ठीक है, एक ग्राफ लेके हम लोग चेक करते हैं कैसे डोमेन हम लोग लिखेंगे। जैसे भैया को एक फंक्शन का ग्राफ ये दिया हुआ है, जैसे देखो ये इधर माइनस टू तक आ रहा है, माइनस टू, या तो इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूं, जैसे ये माइनस टू कोमा टू है, और दिस इज फोर कोमा थ्री, करेक्ट। तो जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। तो भैया देखो एक्स एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है,
कहां से कहां तक एक्सपेंडेड है ये ग्राफ जो है, कहां से कहां तक एक्स एक्सिस में फैला हुआ है। चलो इसको देखते हैं। तो देखो लास्ट यहां तक आया है इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लेफ्ट राइट साइड में कहां तक गया है, मैक्सिमम यहां तक। तो ये जो एक्सपेंशन है, मतलब ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, दैट इज योर डोमेन। मतलब एक्स एक्सिस में ग्राफ यहां से यहां तक फैला हुआ है, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। तो यहां पर एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर एक्स का वैल्यू -2 है और यहां पर एक्स का वैल्यू क्या है 4 है। तो डोमेन आपका हो गया क्या बच्चों, डोमेन हो जाएगा। देखो अब आप लोग को बताया गया है कि भैया अगर यहां पर डार्क सर्कल लगा हुआ है, मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड करना है -2 को, और यहां भी देखो बच्चों डार्क सर्कल लगा हुआ है, मतलब इस 4 पॉइंट को इंक्लूड करना है। आप लोग को पता है अगर होलो सर्कल लगता है, अगर ग्राफ में कहीं होलो सर्कल है, ग्राफ में कहीं होलो सर्कल है, तो इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पे ग्राफ टूटा हुआ है, यानी ब्रेक है ग्राफ, ठीक है, यानी उस पॉइंट को अपने को इंक्लूड नहीं करना है, ना तो एक्स में एक्सिस में, ना तो वाई एक्सिस में। तो यहां पर डार्क सर्कल लगा है बच्चों, और यहां भी डार्क सर्कल लगा है, मतलब डोमेन में -2 और 4 दोनों इंक्लूडेड होगा, ये -2 और 4 दोनों इंक्लूड होगा। तो अपन जो डोमेन लिखेंगे वो -2, 4 लिखेंगे। और आप लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं कि ये क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है। ये जो मैंने लिखा है -2, 4 और दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगाया है, बड़ा ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब होता है कि जो एक्स का वैल्यू है, जो डोमेन है, वो -2 से लेकर के 4 तक है इंक्लूडिंग -2 एंड 4, करेक्ट। अब देखो बच्चों, अब क्या बताया गया, रेंज क्या बताया, हाइट ऑफ द ग्राफ, ज्यादा बेहतर होगा यहां दी लगा दो, हाइट ऑफ द ग्राफ बताया गया। तो ग्राफ का हाइट कितना है, तो चलो देखते हैं। देखो सबसे नीचे जो ग्राफ आया है यहां तक, देखो ये सबसे नीचे है, सबसे नीचे ग्राफ देखो यहां तक है ये, और सबसे ऊपर यहां तक है। तो जो ये हाइट हो गया बच्चों, ये वाला हाइट, दिस इज द रेंज, ये आपका रेंज है। तो अब बात आती है सर ये मिनिमम इधर कहां तक आया है, तो मान लीजिए 1.5 तक आया है इस ग्राफ में, और ये ऊपर कहां तक गया है सर, मान लीजिए ये गया है सर 4 तक। तो रेंज जो हो जाएगा बच्चों वो 1.5 से लेकर के 4 तक, मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो रेंज आपका हो गया यहां पर इस ग्राफ से 1.5, 4, देखो हाइट ऑफ द ग्राफ 1.5 से लेकर के 4 तक, ओके। तो ग्राफ से हम लोग डोमेन और रेंज इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको किसी फंक्शन का रेंज निकालना है, और उस फंक्शन का आप ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, इजली आप उसके ग्राफ को ड्रॉ करना जानते हो, तो आप डोमेन और रेंज भी आसानी से लिख सकते हो। और ये दूसरे चैप्टर में भी काम आएगा, डोमेन और रेंज ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप लोग को बढ़िया तरह से ये चीज समझ में आ गया होगा कि डोमेन और रेंज हम लोग ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ओके। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ओके स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, दैट इज बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये जानना जरूरी है कि भैया कौन कौन सा फंक्शन होता है, वो किस तरह से दिखता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, यानी बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन बच्चों जो एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन वैसे फंक्शन जिसमें एक्सपोनेंट, रेडिकल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह रहता है, वैसे फंक्शन को हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। अरे भैया, जिसमें सिंपल सी बात है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला ऑपरेशन रहे और पावर वगैरह रहता है, उसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एट फर्स्ट बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, करेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट कि भैया पॉलिनोमियल फंक्शन दिखता है कैसा है। देखो, ज्यादा भाषण लिखने का जरूरत नहीं है, बस अपन समझते हैं चीजों को, है ना। हमें समझना है, हमें क्या करना है, समझ करके उसको माइंड में रखना है, ठीक है, और फिर उसके डोमेन रेंज को भी ध्यान में रखना है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स पे पावर एन, ए वन एक्स पे पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन, वेयर वेयर ए नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड एन इज एन बिलोंग्स टू होल नंबर, इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन। देखो बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। पहचान लो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्स रेज टू द पावर एन। इस पावर को देखो, सबसे पहली बात, जो वेरिएबल एक्स है उसका जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और जीरो भी हो सकता है। जैसे यहां पर एक्स का पावर जीरो है, एक्स का पावर जीरो क्या होगा, वन होगा। तो मतलब आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिखता है, कैसा फॉर्म, एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, सिंपल सी बात है। अगर आपको दिख रहा है कि एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो फंक्शन होगा पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दे रहे हो ना, इंटीजर मतलब पूरा होल नंबर, यानी हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या। एक्स का पावर वन बाय टू, थ्री बाय टू, माइनस उनस में नहीं होना चाहिए, केवल एक्स का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है भैया, तभी वो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। यहां पर देखो बच्चों, ये वाला जो एक्स है उसका पावर क्या है, टू, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यहां पर इसका, इस एक्स का पावर क्या है, वन, पॉजिटिव इंटीजर है, और प्लस सेवन, ये तो कांस्टेंट हो गया लास्ट वाला। तो ये फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। एफ एक्स इक्वल टू, अगर बच्चों मैंने लिख दिया एक्स क्यूब टू एक्स पे पावर माइनस फोर प्लस सेवन, तो अब ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, देखो इस एक्स का पावर जो हो गया वो नेगेटिव इंटीजर हो गया, जबकि यहां क्या लिखा है, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब जो पावर एन है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर, होल नंबर आप लोग जानते हो, जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन, तो ये होल नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी सीधी सी बात ध्यान में रखना, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर में क्या है, ये केवल जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो ये देखो, ये जो है ये नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, करेक्ट, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक बात। अब आगे देखो और सारे एग्जांपल, सर ये पॉलिनोमियल है क्या, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फोर बटे एक्स माइनस थ्री। अब कुछ बच्चा सोचता है कि सर ये भी पॉलिनोमियल है, एक्स का पावर सर इंटीजर है, नीचे भी जो एक्स है इसका भी पावर इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है सर। नहीं भैया, देख रहे हो जनरल एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर नाम का चीज है ही नहीं एक्स में, एक्स तो नीचे है ही नहीं, सब एक्स कहाँ है, ऊपर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल एक्स का पावर देखते जा रहे हो और बोल दो आपकी पॉलिनोमियल है सर।
पॉलिनोमियल फंक्शन में केवल न्यूमरेटर होता है इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन, ये देख लो आप, नाइन्थ क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल करेक्ट, सही बात मैं बोल रहा हूँ? तो आप लोग समझ गए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल फंक्शन के कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो चलो हम लोग देखते हैं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है? वीडियो पॉज करके नोट कर लेना एग्जांपल वगैरह। तो जैसे बच्चों एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखो अगर एक्स के हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट जीरो हो जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। कहोगे कैसे चेंज हो गया सर? अभी ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है बेटा? एन डिग्री का। अगर ये ए नॉट जीरो हो गया तो ये पॉलिनोमियल एन माइनस वन डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्स का कोफिशियंट यहां मैं जीरो कर दूं तो ये एफ एक्स इक्वल टू केवल भी रह जाएगा, यानी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाले टर्म का कोफिशियंट जीरो नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखोगे। तो ये जो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो हमने लिखा है, देखो एक्स का पावर कितना है? वन, मतलब ये वन डिग्री पॉलिनोमियल है, और वन डिग्री पॉलिनोमियल को बच्चों हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल करेक्ट। दूसरा बच्चों एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां पर देखो x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन क्या है स्टूडेंट? थर्ड वन इज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है, यानी डिग्री 3 हुआ, तो इसको अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स रेज टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई सच दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहां पर x का जो हाइस्ट पावर है वो 4 है, इसको अपन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये 4 जो हैं आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, ये चारों को आप पहचान लो, ठीक है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन तो आपने पहचान लिया, ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हुआ पॉलिनोमियल फंक्शन का, आपने फंक्शन को पहचान लिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन ये चीज है। अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, किसका? डोमेन और रेंज बच्चों, ठीक है? तो सेकेंड पॉइंट, सबसे पहला चीज डोमेन। देखो बच्चों आप लोग ध्यान में रखोगे कि डोमेन जो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का वो ऑल रियल नंबर होता है, मतलब आर। आर का मतलब आप लोग जानते हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कहने का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन में ना एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, एनी रियल नंबर, वो कभी भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आने वाला है। तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। यानी पॉलिनोमियल फंक्शन दिखा, आपको डोमेन फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल दो सर सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां पर मैं लैंग्वेज में भी लिख दे रहा हूं, डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, एनी
पॉलिनोमियल फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, रेंज, रेंज क्या होगा? तो बच्चों रेंज जो होता है, थर्ड पॉइंट, रेंज जो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन का, क्यूबिक जो सॉरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, ये ज्यादा बढ़िया होगा बोलना, जो रेंज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है वो पूरा रियल नंबर होता है। रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑड डिग्री, ऑड डिग्री का मतलब समझ रहे हो, जब x का हाईएस्ट पावर ऑड रहेगा। रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज r। केवल मैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज की बात किया है, ठीक है, केवल किसका, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का, इवन का नहीं। रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कहने का मतलब जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एकदम नीचे से ऊपर तक पूरा वाई एक्सिस में जाएगा, जबकि इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज पूरा रियल नंबर नहीं होता है। करेक्ट बात? तो उस पॉइंट को भी लिख देते हैं कि रेंज ऑफ इवन डिग्री, रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज सबसेट ऑफ, सबसेट का मतलब जानते हो पार्ट होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर मतलब पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसका रेंज नहीं होगा। अब बात आती है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ का। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे बहुत टाइप का हो सकता है, बहुत सारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, जैसे अभी आपको दिखाया लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, मतलब वो डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कोई एक जनरल ग्राफ पॉलिनोमियल फंक्शन का नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो डिग्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिग्री चेंज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन चेंज, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन चेंज तो ग्राफ भी चेंज। करेक्ट बात? ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा आई थिंक, और जो आगे का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों थैंक यू, और लास्ट में एक बात और ध्यान देनी है आपको, क्या, जो बच्चे हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और दूसरी बात वीडियो को तो लाइक करना मत भूलो भैया, ठीक है, वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उसे भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू बच्चों।